इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं भी आप ही लोगों की दिमाग से निकला हुआ व्यक्ति हूँ, इसलिए मेरी रुचि रहती है कि सबसे परिचय भी हो। मैं अब आम आदमी पार्टी राजस्थान के लिए काम कर रहा हूँ। यहाँ से 96 तक मैं आप ही की तरह से रिपोर्टर हुआ करता था, यहाँ पर काम की तरह था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों साथ की बातचीत। मैं नोवा टाइम्स में रहा, अमर उजाला चंडीगढ़ में रहा, उसके बाद CNBC आवाज़ मुंबई रहा और समय में दिल्ली रहा, अब मैं आम आदमी पार्टी साथ हूँ। मैं चाह रहा था कि मीन वाइज कुछ और दोस्त लोग आ जाएं तो एक परिचय हो जाए तो अच्छा रहेगा सबसे, कि ये मुझे भी पता चलेगा कि कौन कौन साथी फील्ड में आजकल यहाँ पर सक्रिय हैं। मैं निवेदन करूँगा कि उस तरफ से अगर आप लोग। मेरा नाम देव है, मैं आज तक से हूँ इंडिया टुडे ग्रुप से आपसे काम। हाँ, मैं अवधेन्द्र मिश्रा हूँ, मैं DNA न्यूज पेपर से हूँ। मेरा आशीष है, मैं डेली न्यूज से। अश्विनी जी को तो डिस्कशन होता रहता है और साथ ही उनके पीछे हैं, थोड़ा सा परिचय हो जाए तो अच्छा रहेगा। आप लोगों का स्वागत है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जैसा कि तो आप लोग चाहें तो हम लोग शुरू कर लें और नंबर क्या कर लीजिए, आप एक अनौपचारिक चर्चा कर लेते हो, बाइट ले लेंगे, बाकी कुछ शेयर कर लेंगे। आज हम लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है वो मुख्यतः जो नागौर जिले के चामन सिटी के पास चारमास गांव में किसान मंगलाराम मेघवाल का सुसाइड, तथाकथित सुसाइड जो हुआ है उसके सिलसिले में बुलाई है। आम आदमी पार्टी ये मानती है देश में और खासतौर पर राजस्थान में किसानों के जो आत्महत्याओं के मामले हैं वो ज्यादातर मामलों में गलत पॉलिसी की वजह से हो रहे हैं और इन पॉलिसीज को सरकार और अधिकारी बिना इमोशनली सोचे समझे लागू किए जा रहे हैं। किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर किया जा रहा है और इस वजह से यह आत्महत्या। आम आदमी पार्टी का किसानों के मामले में पूरा स्टैंड एकदम क्लियर है कि किसान को उसकी उपज का लाभप्रद मूल्य देने की व्यवस्था जो है वो अंतिम सॉल्यूशन है, इसके अलावा कुछ नहीं। और वर्तमान में जो सरकारें हैं वो उस दिशा में कोई काम नहीं कर रही हैं। किसान को कर्ज दिया जाता है 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए तक का, उस पर वसूली के लिए ज्यादती की जाती है, उस पे नोटिस पर नोटिस दिया जाता है और अंतोगत्वा जो उसकी उपार्जन का एकमात्र जो साधन होती है जमीन, उसकी पूर्ति के आदेश दिए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब आपके
जो आपका एकमात्र सहारा है उसका कुर्की का आदेश आ जाएगा तो किसान क्या करेगा, ये सब जानते हैं। तो आम आदमी पार्टी इस मामले में मांग करती है कि जिन लोगों ने मंगलाराम मेघवाल को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया है उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। ये आत्महत्या नहीं बल्कि ऑर्गेनाइज हत्या की संज्ञा वाला मामला है। अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो आम आदमी पार्टी ऐसे सारे मामलों का, राजस्थान में जितनी भी किसानों की आत्महत्याएं हुई हैं, उनकी जांच करवाएगी और दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाया जाएगा। अब तक राजस्थान में आपको पता होगा, एक एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन एक दर्जन से ज्यादा किसानों की आत्महत्याएं हो गई हैं। ज्यादातर में राज्य सरकार ने डिनाई किया है कि किसी पॉलिसी या किसान सरकार के ऋण की वजह से या उसकी वजह से आत्महत्या हुई है, वो और दूसरे कारण बताते रहे हैं। लेकिन सच यह है कि ये एक वनरेबल वर्ग है, किसान जो है बहुत गरीबी और बहुत मुफलिसी में जी रहा है, उसके वो अन्न जो पैदा करता है उसकी कीमत उसको मिल नहीं रही है। पिछले दिनों आपने लहसुन के की खेती के मामले में देखा होगा 5 सुसाइड हुई हैं, सारी की सारी सरकारी गलतियों या सरकारी भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों की वजह से वो सुसाइड हुई हैं, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। इवन जो जिला लेवल पर जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें भी ये चीज साफ जाहिर हो गई है, लेकिन सरकार ने किसी अधिकारी के खिलाफ ट्रांसफर पोस्टिंग के अलावा कोई कार्रवाई नहीं की है। तो आम आदमी पार्टी का मानना है कि जो भी राजस्थान की सरकार है वो किसानों के मामले में संवेदनहीन है, लगातार सुसाइड हो रही है, इसके बावजूद उसका कोई रास्ता नहीं ढूंढा जा रहा है और उनको अपने हाल पर सुसाइड के लिए छोड़ा जा रहा है। मैं आप हमारे साथ राजस्थान के और देश के जाने माने किसान नेता हमारे साथ हैं, किसान महापंचायत के रामपाल जी जाट, हमने खास तौर पर इनसे आज की इस घटना पर बातचीत की है और ये भी हमारी इस बात से सहमत हैं कि सरकारी नीतियां जो हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं और ये बदलाव जो है बहुत जरूरी है, तभी सोसाइटी का एक सामाजिक बदलाव का जो एक सपना है वो पूरा हो सकता है जब हम लोग साथ बैठे। मैं अब रामपाल जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात करें। सभी भाइयों को राम राम। बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद आप सब लोगों से मिलना हुआ। एक दुखद अवसर जरूर है कि जहां एक किसान को ऋण के कारण अपना जीवन समाप्त करना पड़ा, और ये पहली घटना नहीं, निरंतर ऐसी घटनाएं होती आ रही है। 2015 से लेकर अब तक 75 से अधिक किसान अपने जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं, और केवल ऋण और फसल नहीं होने के कारण, फसल अच्छी नहीं हो तो ऋण चुकाने की क्षमता खत्म होती है इस कारण से। और दुखद दूसरा पक्ष यह है कि सरकार इन आत्महत्याओं को रिकॉर्ड में नहीं लेती, उन्होंने बचने का एक तरीका सोच रखा है कि रिकॉर्ड में मतलब कह दो किसी ने आत्महत्या नहीं, एक ही वाक से वो सारे मैटर पर पानी फेरना चाहते हैं, और ये किसानों को लगता है जैसे उनके घाव पर नमक छिड़काओ।
तो सरकार घाव पर नमक छिड़कने का काम करती है ये कहकर कि राजस्थान में कोई आत्महत्या नहीं। हमारी तो ये सदा से मांग रही है कि सरकार हर मामले की जांच कराए और जितना मीडिया है उन्होंने जितनी खबरें छापी है उनकी भी जांच कराने तो पर्याप्त, तो वो भी जांच में आ जाए तो भी पता लग जाए कि सरकार ने झूठ बोला। इसलिए 2014-15 को जो सरकार ने राजस्थान सरकार ने आंकड़े दिए भारत सरकार को, वो कहते हैं 3 आत्महत्या, चौथे का नाम ही नहीं, तो 75 का मतलब 3 कहना। ये सरकार अपनी कमजोरी को छिपाने का काम करती है और इसका सबसे बड़ा जो इफेक्ट है वो किसान पर आता है और सरकार की स्थिति होती है शुतुरमुर्ग जैसी। शुतुरमुर्ग अपने आप मुंह छिपा लेता है मिट्टी में और समझता है तो कोई नहीं देख रहा। इसी ढंग की शुतुरमुर्ग की नीति पर सरकार चल रही है और इस सरकार के चलने का हम सब कंडम तो शुरू से ही करते आए हैं, लेकिन आज मैं कहना चाहूंगा कि हमने आगे के लिए कहा है कि हम किसान राज की स्थापना का काम करेंगे और ये जो घटनाएं होती है ये दोनों सरकार किसी की भी रही हो, दोनों दलों की सरकारों में चलती घटना हुई और दोनों दलों ने इन आत्महत्याओं को गंभीरता से ले लिया। ये वो देश है जिसमें नीरव मोदी और माल्या वो एकाध रुपए नहीं, लाखों में नहीं, हजारों करोड़ रुपए में चूना लगाकर देश से बाहर चले जाते हैं और हमारे जो देश का चौकीदार है वो बैठे रहते हैं। तो ऐसा कमजोर चौकीदार जिससे यहाँ का मार पानी खाकर आप भी विदेश चला जाए, ये हम सबका सर शर्म से झुकाने वाली घटना है। इसी ढंग की अभी राजस्थान में चल रही है राजस्थान गौरव यात्रा, ये गौरव है कि किसान आत्महत्या कर, इसी को गौरव कहते हैं क्या? तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए था कि पहले किसानों की आत्महत्या रुके, इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स अडॉप्ट किए जाएं, जिनकी गलती है उनको दंड किया जाए, जो पॉलिसी है वो बदली जाए। इसकी वजह सरकार नक्काल खाने में तूती की आवाज दबाने का काम करती है, किसानों की आवाज दबे और वो नंगाड़े बजाते रहे। इसलिए सरकार ने जो कहा हमने राजस्थान में ऋण माफी कर दी, 50,000 तक के ऋण माफ कर दिए। भाई आपने केसीसी को क्यों नहीं ली? केसीसी में तो कृषि ऋण है। ये जो घटना नागौर में, यदि सरकार केसीसी को ऋण माफी में ले लेती तो घटना ही नहीं होती। तो आप एक तरफ कहते हो हम किसानों का भला कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ऐसे नियम बनाते हो जिससे जिस किसान ने कृषि के लिए ऋण लिया उसमें कोई राहत नहीं मिले। तो ये काम अभी ये सरकार कर रही है और इसमें भी सरकार ने जो प्रचार किया वो हमेशा सरकार करके 50,000 तक के ऋण माफ कर दिए। मैंने सरकार से पूछा आप ये बता दो 50,000 का कितने लोग हैं जिनका आपने ऋण माफ किया? 50,000 काम की नहीं है। उसके उपरांत भी सरकार लगातार यही प्रचार करती है तो इसको कहते हैं जो काम कम किया उसका ज्यादा प्रचार। और इसका एक शब्द मैं दे रहा हूं, बौद्धिक भ्रष्टाचार। ये बौद्धिक भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है, जो आपने नहीं किया उसका भी आप जबरन प्रचार कर रहे हो। तो जो सरकार ने नहीं किया, कृषि ऋण माफ करने का काम सरकार ने नहीं किया, 50,000 तक के ऋण माफ करने का सरकार ने काम नहीं किया, अनेक किसानों को छोड़ दिया, ऐसी स्थिति में भी सरकार लगातार झंडोरा पीट रही है कि हमने किसानों के 50,000 तक के ऋण माफ कर दिए। और इसी क्रम में ये बेचारा मेघवाल ये इसलिए आया, उसको लगा कि हमारा ऋण माफ हो गया। तो कोई हर किसान थोड़ी समझता केसीसी ऋण के उनका पैसा कृषि ने ऋण दिया, तो जो कृषि के लिए ऋण दिया वो ऋण माफ हो गया। तो सरकार के झूठे प्रचार का शिकार हुआ है मेघवाल हमारा किसान। इस कारण से मैं सोचता हूं सरकार सीधे रूप से जिम्मेदार है। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा यदि किसी में भी जरा सी भी शर्म होती, जरा सी भी किसी में किसानों के प्रति हमदर्दी होती, संवेदना होती, तो मुख्यमंत्री अपना दौरा छोड़ के पहले नागौर आके उसको संभाल। ये काम कोई भी नहीं करना चाहता, ना प्रधानमंत्री ना मुख्यमंत्री, दोनों केवल स्वयं के कामों का ढिंढोरा पीट कर दोबारा रात में कैसे आ जाए झूठी बातों के आधार पर यही प्रसार।
एक ही सप्ताह में, एक ही महीने में निरंतर किसानों की आत्महत्याओं का सिलसिला जारी रहे, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? और फिर भी सरकार चेते नहीं, इससे और ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? इसलिए हम तो ये कहेंगे कि सरकार अपनी नीतियां घोषित अब तक करते चुनाव के समय तो हम इनको बदलेंगे, अब भी नहीं करते। और जो सरकार ने पिछले चुनाव के समय घोषणा की थी कि किसानों को उनकी उपजों के लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति पर खरीद की जाएगी, वो खरीद भी नहीं, और जो खरीद की है उसका ये भी नहीं बताते कितनी प्रतिशत खरीद हुई। तो आधी अधूरी जानकारी, आधे सत्य के आधार पर चलती है सरकार, और इस कारण से इस ढंग की घटनाएं राजस्थान में जो बहादुर प्रदेश रहा, उस बहादुर प्रदेश के किसान को भी अपने जीवन लीला समाप्त करनी पड़े, ये बहुत दुखद बात है। इस कारण से मैं तो इसको सीधे रूप से ये कहना चाहूंगा कि सरकार की नियत के कारण से इस ढंग की घटनाएं होती है। यदि सरकार की नियत ठीक हो तो इस ढंग की घटनाएं संभव ही नहीं है। इसलिए ये बहुत एक भ्रष्टाचार का कारण है ये आत्महत्याएं, और विशेषकर नागौर की आत्महत्या मेघवाल की। इस कारण से सरकार को चाहिए कि सबसे पहले अपने गौरव को इधर प्रदर्शित करेंगे, उनका गौरव कितना है, तो गौरव कहां दिखा रहे हैं, वो किसके लिए गौरव दिखा रहे हैं? किसान मर रहा है, आप गौरव की बात कर रहे हैं? तो आपका अन्नदाता मर रहा है, फिर भी आप गौरव की बात कर रहे हो? किस बात का गौरव कर रहे हो? कैसी का गौरव कर रहे हो? आपके राजस्थान में 2015 से अब तक 75 किसानों ने अपनी आत्महत्या कर ली, 75 किसानों ने अपने जीवन लीला समाप्त कर ली, ये गौरव का विषय है क्या? तो जो गौरव का विषय है वो तो कम से कम बताओ। इस कारण से हमारा आज का ये जो पत्रकार वार्ता थी, देवेंद्र जी डॉक्टर साहब ने याद किया, और मैंने कहा भाई जब हम आपको बुलाते हैं तो आप आते हो। हमने दिल्ली में बुलाया 21 राजनीतिक संगठनों को किसान विधेयक को लेकर। एक किसान विधेयक 2014 से पेंडिंग है जिसको लोकसभा ने स्वीकार किया है। यदि वो विधेयक स्वीकार हो जाता उसमें कानून बन जाता तो आज किसान आत्महत्या करता ही नहीं और देश से आत्महत्याओं का कलंक ये दूर हो जाता एक ही कानून से। तो आज अगर 2014 से जिसमें लोकसभा ने उसको सर्वसम्मति से स्वीकार किया विचारा, तो उसको भी सरकार ने अडॉप्ट नहीं किया, उसको अडॉप्ट करके अपनी तरफ से बिल ला सकती थी, उनको श्रेय भी मिलता और एक कलंक भी धुलता। तो ऐसे काम नहीं करके सरकार उल्टे काम करती है कि किसानों को ऋणों में कैसे दबाया जाए। इसलिए केवल एक आंकड़ा देकर मेरी बात पूरी करूंगा। आज से 10 साल पहले 5 लाख करोड़ थे ऋण की राशि, और उसको सरकार ने बढ़ाते बढ़ाते कर दी 11 लाख करोड़। अरे भाई ऋण की राशि क्यों बढ़ा रहे हो? और हम तो कहते हैं आप हमारा हिसाब करना सीख लो ना, आप हमारा हिसाब करो न्याय से। तो यदि सरकार हिसाब टेबल पर बैठ कर करे तो हिंदुस्तान का किसान कहने को तैयार है, यदि सरकार का बकाया को तुम देंगे, हमको कोई माफी नहीं चाहिए किसी से, हम भी मांगते नहीं, हम तो अन्नदाता है और दाता बने रहना चाहते हैं, हम भिख मांगे नहीं बनना चाहते। इसलिए सरकार हिसाब करने को तैयार नहीं। हमने 10 साल का हिसाब दिया सरकार को लिखते में, हमने कहा है 10 साल पहले राष्ट्रीय किसान आयोग की रिपोर्ट को लागू कर देते और MSP पे खरीद हो जाती तो किसानों को 15 लाख करोड़ रुपए ज्यादा प्राप्त होते, और सरकार खुद ऋण बताती है किसानों पर 12.7 लाख करोड़ का, तो 2,40,000 करोड़ का ऋण ये तो हम लेट जा रहे हैं सरकार से। किस बात की माफी कर रही है? इस वर्ष भी राजस्थान में जिन्होंने खरीद की पिछली और इस वर्ष जो खरीद नहीं की उसका घाटा किसानों का 8,000 करोड़ से अधिक, और सरकार अभी 5,000 करोड़ का हिसाब लगा रही है। अरे भाई आप तो ये माफियों को छोड़ो, ये नाटक छोड़ो, माफी उपहार फेंक इसकी जरूरत तो किसान को नहीं है, किसान को तो उसके अधिकारों की जरूरत है। इसलिए आप टेबल पर बैठो, हिसाब करो, किसान का यदि निकलता तो किसान को दो और किसान का निकलता तो किसान से ले, यही भाषा सरकार बोले तो न्याय की बात करो। हम तो न्याय की बात कर रहे हैं और आज सरकार न्याय की बात नहीं कर रही। इसी ढंग से इस ढंग की घटनाएं निरंतर राजस्थान में और पूरे देश में लगातार हो रही है। इस सरकार के बाद में 25% बढ़ोतरी हुई है आत्महत्याओं में एक वर्ष में, 2014 के बाद 2015 में। ये ऐसी जब स्थिति है तो इनको तो भी आंख नहीं खुले और इनको केवल और केवल ध्यान रहे मैं कारोबारी के साथ खड़ा।
कोई शर्म की बात नहीं। गांधी भी खड़े हुए थे, अरे गांधी तो उस समय खड़ा हुआ था कारोबारी के साथ जब वो संघर्ष कर रहे थे। तुम तो राज में हो और गांधी ने डील थोड़ी की थी, तुम तो डील कर रहे और फिर कह रहा मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो भाई चोरी की चोरी सीना चोरी, गलत भी कह रहे हो और गलत को डिफेंड करने के लिए ऐसे बोल रहे हो जिसमें आप कोई भाजपा का काम कर रहे हो। तो भाई ऐसी भाषा बोलकर आप देश को गुमराह मत करो प्लीज, और आप ध्यान दो किसानों की आत्महत्या रोके, गरीब को उसके पसीने की कमाई मिले, इसलिए हमने कहा है किसान राज के द्वारा ये सब पूरे होंगे और हम किसान राज पर बढ़े। धन्यवाद सभी को, राम राम। अभी हमारी सीएम साहब को जनता को बताना चाहिए, जिसको जनता का जानने का अधिकार है, कि जब किसान देश में आत्महत्या कर रहे हैं और अकेले राजस्थान में दो वर्षों में 75 से अधिक किसान समय से पहले अपने प्राण गंवा चुके हैं, उस समय कोई बताया कि इसका गौरव उनको है नहीं है, तो वो किस बात की गौरव यात्रा कर रही है? तो गौरव यात्रा के पहले इनके बारे में वो बोले, और उससे बचने के लिए जो सरकार तरीका अपना रही है कि किसी भी किसान आत्महत्या नहीं की, ये बहादुर प्रदेश है, इसके बहादुर प्रदेश में कोई आत्महत्या नहीं करता। मैं कहना चाहता हूँ इस बहादुर प्रदेश के किसान को भी अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए विवश आपकी नीतियां कर रही है, आपकी ऋण नीतियां कर रही है। इसलिए हम तो कहना चाहेंगे कि यदि सरकार हिसाब करे तो एक भी किसान ऋणी नहीं रहेगा, सब हो जाएंगे ऋण मुक्त। और जिस दिन राष्ट्रीय किसान आयोग की रिपोर्ट लागू होगी, किसान को लागत के 1.5 गुने दाम उस पर खरीद सुनिश्चित हो जाएगी, खरीद की गारंटी हो जाएगी, उस दिन किसान बन जाएगा ऋणदाता। आत्महत्याओं का कलंक देश समाप्त हो जाएगा, और ये जो देश से कलंक समाप्त होना है यही बड़ी बात है। इस कारण से आत्महत्याओं के कलंक को सरकार करे समाप्त, और ये जो दूसरा काम अभी सरकार कर रही है, जो काम सरकार ने किया नहीं उसका भी प्रचार, जिसको कहते हैं बौद्धिक भ्रष्टाचार। तो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों ही देश में बौद्धिक भ्रष्टाचार फैलाने का काम कर रही है। रामपाल जी शोर में जाते हो क्या कहोगे? हर कोई यात्रा को अपने अपने हिसाब से नाम दे रहा है, तो क्या नाम दोगे राजस्थान बीजेपी की चुनावी यात्रा को? मेरे से ज्यादा बढ़िया नाम तो आप लोग कर सकते हो, लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगा ये यात्रा केवल अपने शासन के स्वार्थ को पूरा करने के लिए है, इसमें जन का कोई हित नहीं और राजस्थान का कोई गौरव नहीं। इसलिए गौरव शब्द यहाँ लाके उन्होंने गड़बड़ की है, इसलिए राजस्थान का कोई गौरव नहीं है तो वो याद रखा। ये जो आम आदमी पार्टी का नागौर में जो सुसाइड हुआ है उस पर मैं अपना मंतव्य रखना चाह रहा हूँ। सरकार की नीतियों, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग और उनकी ज्यादती का परिणाम है। आम आदमी पार्टी मानती है कि गलत नीतियों को लागू करके सरकार जानबूझकर किसानों के साथ गलत व्यवहार कर रही है, उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, उनको सुसाइड के लिए उकसाया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी डिमांड करती है कि
ऐसे दोषी अधिकारियों और सरकार में बैठे लोगों के खिलाफ जांच होनी चाहिए कि ये सुसाइड क्या उनकी ज्यादतियों के कारण हुआ है। अगर ऐसा है तो उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है राजस्थान में, तो जितने भी किसानों की आत्महत्याओं के मामले हैं उनकी जांच होगी और दोषी लोगों के खिलाफ हत्या के मुकदमे चलाए जाएंगे। हमारी आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी डिमांड है कि जितनी भी आत्महत्याएं हुई हैं उन मामलों में संवेदनशीलता के साथ सरकार को पेश आना चाहिए, उन सारे परिवारों की मजबूरियों को देखते हुए उनको आर्थिक सहायता और दूसरी तमाम जो पॉलिसी जो चेंज की जो जरूरत है उनको पूरा करना चाहिए। तो क्या आप पार्टी सिर्फ खाली सत्ता के लालची बन चुका है क्या? विपक्ष के साथ बैठ कर जनता के साथ कंधा से कंधा मिलाकर सरकार को झुकाने का कार्य नहीं कर सकता है? हर कोई सत्ता, देखिए बदलाव का यही तरीका है कि अगर आपके पास सत्ता या पावर नहीं है तो आप समाज में कोई बदलाव नहीं कर सकते। इतिहास गवाह है, विपक्षी लोग सरकार के घुटने पर टिकाए हैं लेकिन आम आदमी पार्टी तो हमेशा सत्ता में बैठने की बात करता नहीं। सत्ता के लिए जो जो सत्ता में बैठी वो क्या क्या बात कर रही है? बंद नहीं बंद करते।